नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव सुविधा किचन में आपका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ शक्कर पारे बनाना। शक्कर पारे बहुत ही टेस्टी लगते खाने में, आप इन्हें बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आपको बेहद पसंद आएगा ये तरीका। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, शक्कर पारे आपके भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। और हाँ, इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं, महीनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छे ये शक्कर पारे बनकर तैयार हुई है और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट रहता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पर 2 कप ये मैदा लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा, नमक आप बहुत कम डालिएगा, इसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा। अभी देखिए यहाँ पर अजवाइन ली है 1/2 चम्मच। अभी यहाँ पर इसमें ऑयल डाल देंगे 3 चम्मच, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। तो 3 चम्मच मैंने ये ऑयल डाल दिया है। अभी 1/2 चम्मच इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, इससे काफ़ी ये जैसे कुरकुरापन आ जाएगा इनमें और बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। अभी घी को अच्छी तरह से मसल लेंगे। अच्छी तरह से मसलने के बाद इसमें पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इसका डेली जैसे रोटी बनाते हैं ना वैसा आटा इसका तैयार कर लेंगे। इसमें एक साथ पानी ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। इस तरह से देखिए आटा लगा लीजिएगा, बहुत ही जैसे डेली रोटी बनाते ना वैसा ही आटा लगाना। ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे चिकना कर देंगे और इसे रख देते हैं साइड में। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अभी चलिए हम बनाना शुरू करते हैं शक्कर पारे। तो यहाँ पर हम चकला बेलन लेंगे और मैंने उसमें से 1/2 पीस ले लिया है आटे का। अभी इसको अच्छी तरह से बेल लेना है, जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना हम, उससे थोड़ा सा मोटा ही इसको रखना है। ये बहुत ही आसानी से फैल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए इसको फैला लेते हैं, इसे थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा, ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको फैला लिया है। अभी क्या करना है देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इतना मोटा रखना है ये मीडियम साइज का। अभी यहाँ पर चाकू की सहायता से इसके ऐसे पीस बना लेंगे। ये देखिए लंबे लंबे पीस बना रही हूँ मैं पहले, फिर बाद में इसको हम छोटा कर देंगे, इससे थोड़ा सा जल्दी ये हो जाएगा। तो पहले ऐसे लंबे साइज के कट कर लेंगे इस तरह से। अभी यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे। अभी यहाँ पर देखिए इस तरह से साइज़ में कट कर लेंगे इसको। आप चाहे तो इसे ऐसे लंबे भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे बीच से कट लगा रही हूँ। तो देखिए जो बन चुके हैं एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, और जो बाकी आटा बचा है उसके भी सेम ऐसे ही बनाने होते हैं और उन्हें भी ऐसे प्लेट में रख लेंगे, उसके बाद इन्हें हम फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से तैयार हो गए हैं। अभी जो दूसरा आटा बचा हुआ है तो उसके भी हम पहले बना लेते हैं, उसी तरह से मोटी रोटी बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से मोटी रोटी बेल ली है। अभी इसको भी ऐसे कट कर लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये, बिल्कुल आसान, आपको बेहद पसंद आएगा और आप भी इसी तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है और जल्दी बन जाते हैं। आप एक साथ बहुत सारे ये बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये महीनों तक चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ये देखिए इस तरह से इनको ऐसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे बन चुके हैं हमारे, तो यहाँ पर सारे मैंने प्लेट में भी रख लिए हैं। ये देखिए इस तरह से इनको रख लेंगे, उसके बाद इन्हें हम चलते हैं गैस की तरफ। तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल मैंने पहले से रख दिया था, ऑयल अभी गर्म हो चुका है। इन बातों का ध्यान रखें, यहाँ पर आपको पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है ऑयल को, फिर बाद में इस जैसे गैस को यहाँ पर मीडियम और लो के बीच में रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। हाई करेंगे तो जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चापन रह जाएगा और जो कि अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर दूसरी साइड से मैंने इनको उलट पलट के देखिए इस तरह से इनको जैसे सुनहरा कलर आने तक पका लिया है। ये देखिए एक बैच हमारा बनकर तैयार हो गया है, बाकी जो बचे हैं उन्हें भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे।
अभी इसमें डाल देते हैं। और गैस को यहाँ पर मैंने मीडियम लो के बीच में रखा है। और ये देखिए अभी 1 से 2 मिनट तक इनको टच नहीं करना है, उसके बाद इन्हें ऐसे हिला दिला कर दोनों साइड से पका लेना है। और ये देखिए ये भी बहुत ही कुरकुरे हो चुके हैं, एकदम बढ़िया गोल्डन कलर आया है इनका भी। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये सारे जैसे शक्करपारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। अभी दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है। इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही डालना है। अभी ये धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गया है और पक भी चुका है। इसी टाइम इसमें हम सारे जो शक्करपारे हमने बनाए हैं ना, वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना, गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना, ताकि जो भी हमने गुड़ डाला है इसके अंदर तक चला जाए और अच्छी तरह से कोटिंग भी हो जाए। अभी इन्हें एक थाली में निकाल लेंगे सारे को, और जो ये नीचे बचा हुआ गुड़ है ये इसके ऊपर से ही डाल देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, अच्छी तरह से गुड़ इनके ऊपर से लग जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से इस पर डाल देंगे। अभी इनको कम से कम 1/2 घंटा 1 घंटा रख देंगे ऐसे ही। ये धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो अच्छी तरह से ये इसके ऊपर से लग गया होगा, फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी से मैं रख देती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने 1 घंटे के बाद देखिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं और गुड़ भी बहुत ही अच्छे से इन पर लगा हुआ है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, आप इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आने वाले हैं और इन्हें आप महीनों तक स्टोर भी कर सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन बटन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और एक बार ही ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छे ये शक्करपारे बनते हैं इसी तरीके से।